अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू योर ऑन शो भूजो तो जीतो। आपकी होस्ट अलीना हारून। आज है हम एवेन्यू शॉपिंग मॉल में, बहुत सारी बातें होंगी लाहौर न्यूज़ की तरफ से, बहुत सारे इनाम होंगे, आपका टैलेंट जो है वो स्क्रीन पर होगा, भूजो तो जीतो आपको अप्रिशिएट करेगा। भूजो तो जीतो की बिल्कुल न्यू फ्रेश एपिसोड हर जुमेरात जुमा हफ्ता इतवार शाम को 7 बजे लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर लगती हैं, लाहौर न्यूज़ HDTV पर, जो अगली सुबह सुबह के 5 और 11 बजे रिपीट होता है। देखना ना भूले, टोस्ट न्यू लाहौर न्यूज़ आपके लिए न्यू एपिसोड लाया है भूजो तो जीतो की। आपकी होस्ट अलीना हारून जो है वो आपके साथ बहुत सारी मस्ती करने वाली है, तो रेडी हो जाएं बहुत सारे फन के लिए। आज का प्रोग्राम बहुत ही फनफुल, बहुत ही फ्रूटफुल होगा, फुल इंफरटेनमेंट होगी, तो आपको मजीद इंतजार नहीं करवाएंगे, लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मोहम्मद यासिर। ओके जी यासिर, मुझे बता दो पाकिस्तान की कौमी सब्जी कौन सी है? वेजिटेबल्स खाते हो? कम ही खाता हूँ मैं, तो ज्यादा गोभी खाता हूँ। गोभी? तो गोभी भी तो सब्जी है ना? जी जी। हाँ, गोभी, आलू गोभी वाली? हाँ, आलू गोभी। जी जी। और इसके अलावा कौन सी सब्जी पसंद है? इसके अलावा शिमला मिर्च। कीमा? ओके ठीक हो गया। चले आप बता दें पाकिस्तान का कौमी फल कौन सा? आपको कौन सा पसंद है? एप्पल ज्यादा खाता हूँ। एप्पल जी। ओके क्या सुनाएंगे आप हमें? जी मैं मुहर्रम के वाले से हम जी जो है हुसैन ऐसा अजीम कारी है, हुसैन ऐसा अजीम कारी है, हाँ बिन बदन के कुरान जारी है, जारी है बिन बदन के कुरान जारी है। और देखे अकबर हुसैन कहने लगे, नाना तेरी तस्वीर तुझ पे वारी है, हाँ बिन बदन के कुरान जारी है, जारी है बिन बदन के कुरान जारी है। और जान पे जान लोग देते हैं, इसलिए जान तुझ पे वारी है, इसलिए जान तुझ पे वारी है, हाँ बिन बदन के कुरान जारी है, जारी है बिन बदन के कुरान जारी है। जजाकअल्लाह माशाल्लाह, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट, बहुत प्यारे तरीके।
कैसे कलाम अदा किया आपने? थैंक यू जी, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने जो है वो कलाम अदा किया, बहुत अच्छा लगा किसी और से बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम? तूबा रफीक। क्या करती हो तूबा? स्टडी करती हूँ। क्या पढ़ती हो? सेकंड ईयर में हूँ। ओके तूबा, क्लासेस शुरू होने वाली हैं। आर यू हैप्पी और नॉट हैप्पी? पक्का? पक्का। बट क्यों? पढ़ना है, छुट्टियाँ थी। नहीं, बोर हो गए हैं, अब पढ़ना है। पढ़ रहे हैं छुट्टी में भी। ओके गुड। चले जी, आपसे एक सवाल करते हैं। मुझे बताएं वो कौन सी दाल है जिसका नाम उल्टा लिखो तो एक मुल्क का नाम बनेगा? मसूर की दाल। वो उल्टा करो कैसे बनेगा? रूम बनेगा। नहीं, मसूर से रूम कैसे बनेगा? रोम में सीन तो आता ही है, मसूर का सीन कहाँ गया? रोम थोड़ी ना। मसर क्या शेर सॉन्ग सुनाओ। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी तुझ बिन कितने बरसे हैं। जिंदगी में तेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। पास ही रहना तुम मेरे, गरीब होके चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। वेरी गुड, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए बहुत शुक्रिया। यू वेलकम जी। अच्छा लगा जी इनसे बात की, और इन्होंने जो है एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाया। आवाज कुछ खास नहीं थी मगर कॉन्फिडेंस अच्छा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? तौहीद। क्या करते हो? स्टडी। क्या पढ़ते हो? मैट्रिक में हूँ। ओके, और क्या गोल्स है लाइफ के? इंजीनियर। ओके, मुझे बताओ वो क्या चीज़ है जिसको खाने के लिए पानी में जाना पड़ता है? मछली। नहीं, मछली हम बाहर निकाल के खाते हैं, पानी में तो नहीं जाके मछलियाँ, कच्ची कच्ची मछलियाँ पकड़ के खाते तो नहीं है। एक सवाल मेरा आपसे आज। ओला तो नहीं आने वाला, रहने दो। अच्छा पूछो, वो कौन सी दाल का नाम है जिसको उल्टा करो तो एक मुल्क का नाम बनता है? शाम बनता है दाल से, माश की दाल से। क्या शेयर करोगे? सॉन्ग सुना दो। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत में सांसें मिली हैं, सदा रहना तुम मेरे करीब होके। ये लला अनिल की तरफ से आपके लिए। जी अच्छा लगा जी इनसे बात की, काफ़ी इनोसेंट सा बच्चा है और मासूम सा लग रहा था, और करीब हो के तुमने ना ऐसे कह रहा था। वालेकुम सलाम। नाम? जुबेरिया रफी। क्या करती हो? पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हो? 9th क्लास। ओके जी, क्या लाइफ में करना चाहती हो? इंशाल्लाह डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर बनना। चलो जी मुझे बता दो डॉक्टर, तुमसे एक सवाल करती हूँ कि वो कौन सी दाल है जिसका नाम उल्टा लिखोगी तो मुल्क का नाम बनेगा? शाम को उल्टा करेंगे तो। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अभी सुन रही थी तुम, क्या सुनाओगी? मैं ब्यूटी टिप्स दूंगी। लेमन लेंगे, उसको कटिंग करेंगे, उसके बाद हनी लेंगे, उसको फेस पे अच्छी तरीके से रैप करेंगे, उसके बाद 10 मिनट बाद मुंह धोलेंगे। नहीं धोएंगे तो क्या होगा, चिड़िया लग जाएंगी। फिर फेस खराब हो सकता है, दाने निकल सकते हैं। ओ लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट, शुक्रिया जी। प्यारी सी लड़की ने प्यारी सी ब्यूटी टिप दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम? कैया सलाम। क्या करती हो? पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हूँ? माशाल्लाह। अरे वाह, कहाँ तक पहुँचा? 12वां सपारा। हिफ्स कर रही हो, पढ़ रही हो? नहीं, हिफ्स पढ़ रही हूँ। अरे माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। बहुत अच्छी बात है, बहुत मयार है इसका। अब मैं जिन जो लोग हिफ्स कर रहे होते हैं उनके लिए तो भी स्पेशल, उनके लिए मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट है।
बहुत बड़ी बात है भाई, माशाल्लाह। चले जी आपसे सवाल करते हैं। मुझे आप बेटा ये बता दो, आपसे आप इतने लायक हो, आपसे क्या सवाल किया जाए, मुझे क्या सुनाओगे? गाना, हाफिज कुरान और गाना सुनाया तुमने, तुम्हें इसलिए तुमने सवाल छोड़ा था। चलो सुनाओ गाना। कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना, कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना, ओ तेरा मेरा जहाँ ले चलूँ मैं वहाँ, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, रख लूँ आँखों में मैं खोलूँ पलकें ना मैं, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, मैं अंधेरों से गिरा हूँ अधिकार तू मुझको समेरा मेरा, मैं भटकता एक मुसाफिर अधिकार तू मुझको समेरा मेरा। वाइब्रेट क्यों कर रही हो? हैं? वाइब्रेट क्यों कर रही हो? हैं? ओयो यो यो यो। ये लो, लाहौर न्यूज़ की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। खुश हो जाओ। जी आवाज़ उसकी अच्छी है, मगर ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई सवारी पे बैठ के गड्ढों वाली गाड़ी पे जहाँ होगा ना बस वो हो रहा था, वैसे लड़की की मुझे चूड़ियाँ बड़ी प्यारी लगी है। किसी और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाम? नाम सुरैया। सुरैया क्या करती हो? स्कूल पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में? फोर में। क्या सुनाएगी? टिंकल 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 सुना दो। पोइम सुनाऊंगी। पोइम। बेबी बेबी यस मामा, इंटी शोगर नो मामा, टेलिंग अलाइक नो मामा, ओपन योर माउथ हा हा हा। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट, शुक्रिया। अच्छा लगा जी इनसे बात की, पोइम भी सुनी, किसी और से बात करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम? सना अनवर। सामने देखो, क्या करती हो? मैं एमएससी कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस में। अरे बहुत जबरदस्त, क्या सुनाओगी? मैं सॉन्ग सुनाऊंगी। ओके, पहले मुझे बता दो हमारी कौमी सब्जी कौन सी है? कौमी सब्जी बेल तोरी। भिंडी। भिंडी सही जवाब। क्या सुनाओगी? मैं सॉन्ग सुनाऊंगी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुरा लिया मैंने किस्मत की लकीरों से। गाना था या गाने का बच्चा था? सब इतना आता है? इतना तो नहीं तुम्हें आता है। क्या सुनाया? अच्छा रोने ना लग जाना। मुझे बताओ कुछ पका लेती हो? जी सर। क्या पकाती हो? मैं बिरयानी हर चार चीज़ बना ले। कुछ मज़े का बनाती हूँ। अच्छा मुझे बताओ कढ़ी की रेसिपी बताओ। बेसन की कढ़ी? बेसन की कढ़ी हम लोग पहले बेसन का बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? उसके अंदर हम दही डाल के उसके बेसन को कितना आधा किलो दही में कितना बेसन डलेगा? एक पाव डाल देगा। आधा किलो दही में एक पाव बेसन लेके ग्राइंड कर लिया। हाँ, ग्राइंड साइड पे रख दिया। अब क्या करना? अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। कैसे करना है? उसके अंदर प्याज हल्की सी ब्राउन करके, उसके बाद उसके अंदर मिर्च सारा कुछ ग्राइंड करके उसके अंदर डाल के। मिर्ची भी ग्राइंड करनी है? हाँ सारा कुछ। किस में ग्राइंड? मतलब खाली ग्राइंडर में मिर्ची डालनी है और क्या डालना है? अदरक प्याज लहसुन। प्याज भी? जी। टमाटर भी? सब कुछ डाल के ग्राइंड करके अच्छे से उसका मसाला तैयार कर लेना। उसके बाद उसको जो कढ़ी का मिक्सचर तैयार किया वो डाल देना और अच्छे से उसको पका लेना। उसके बाद उसके पकौड़े बना के उसके डाल देना। उसके बाद उसका धनिया, धनियों का उसके मसाला बना के ना, धनिया का सूखा धनिया नहीं होता उसका, उसके ऊपर डाल देना तरी के लिए। शुक्रिया जी। कड़ी की रेसिपी बताई इन्होंने, जरूर बनाएं मजे मजे के खाने और खाएं। टाइम हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, लेट्स हैव अ ब्रेक। मैं बाहर रोड पे था और मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि अंदर मैम आई हुई हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी जाता हूँ और जाके इंटरव्यू देता हूँ, और एक छोटा सा मैसेज था वो देना था।
10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली। सवाल करती हूँ, वो क्या चीज़ है जिसे खाने के लिए समंदर में जाना पड़ता है? फिश। फिश क्या कच्ची मछलियां मुंह से पकड़ती हो पानी में जाके तुम? फिर गोता ही खाने जाते हैं जब। तो सही जवाब, तालियां बजाओ। रिक्शे रिक्शे वाले भाई, तूने घंटी की बजाई। एक सेकंड। वेलकम 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 बैक, ब्रेक से वापस आ गए। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान, मुझे बताओ कैसे आना आवाज? मैं बाहर रोड पे था और मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि अंदर मैम आई हुई हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी जाता हूँ और जाके इंटरव्यू देता हूँ, और एक छोटा सा मैसेज था वो देना था। अच्छा, जबरदस्त। दोस्तों को भी और जो लोग यानी कि किसी को तंज करते हैं उनके लिए, खासतौर पर कोई भी काम हो ना, वो काम छोटा नहीं होता। चाहिए, मेरा काम है ना फूड पांडा का। कुछ दोस्तों ने मुझे बोला है कि तुम ये क्या करते हो। अरे भाई, अपने बहन भाइयों के लिए, घर वालों के लिए, ये जिम्मेदारी हर बंदा नहीं उठा सकता। ऐसा ही है, कुछ लोग होते हैं सिर्फ अपने के लिए जीते हैं, और मैं वो हूँ जो सिर्फ अपने बहन भाइयों के लिए और माँ बाप के लिए जीता हूँ। बस बहुत अच्छी बात है, हरकत में बरकत है, बहुत अच्छी बात है। और जो कहते हैं उनको शर्म आनी चाहिए जी, हरकत में बरकत है। किसी कोई को काम बड़ा छोटा मत बोले, कुछ भी मत बोले। ये नहीं है कि वो पता नहीं वो कितनी मेहनत करके वो पैसे कमा रहा है और यानी कि घर चला रहा है, और आप लोग उनको बात कर देते हो ये फूड पांडा है, ये क्या है। ये फूड पांडा तुम लोगों की नौकरी से ज़्यादा अच्छी है। किसी की बात नहीं सुननी पड़ती मुझे, किसी के अंडर में नहीं हूँ मैं, अपना काम करता हूँ बस। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये कॉन्फिडेंस एटीट्यूड देखकर। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। और जो लोग बातें करते हैं इसमें, ये पता है मैं तुम्हें बताऊँ क्या आजकल के लोगों का काम है, यहाँ करेंगे ना, यहाँ चौधरी बन के बैठेंगे, बाहर मुल्क जाके बाथरूम भी धोएंगे, यहाँ चौधरी बन के बैठेंगे। तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। खैर, आप मुझे बताओ मुझे क्या सुनाओगे? मैं सॉन्ग सुना दूंगा। ठीक है, सामने देखकर सुना। हम बेवफा हरगिस न थे, पर हम वफा कर ना सके। तूने किया जो शिकवा, हम वो गिला कर ना सके। तुमने जो देखा सुना सच था, मगर कितना था सच ये किसको पता। जाने तुम्हें मैंने कोई धोखा दिया, जाने तुम्हें कोई धोखा हुआ। इस प्यार में सच झूठ का तुम फैसला कर ना सके, हम बेवफा। जबरदस्त जी, बड़ा। ये मेरी वाइफ के लिए था जी, वाइफ के लिए था। नाराज हुई मैं? ओ, क्यों नाराज हुई? बस वो लोगों की बातों में आ, लोग फसाद डालते हैं, लोगों की बातों में नहीं आते, तो घर गई की बात में मत आया क्यों, ये लोग घर खराब कर देते हैं। वो गई मेके गई नाराज होके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए जी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी। मैंने बात की आज इनसे, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। क्या होता है जो लोग आते हैं ना, नज़र आ रहा होता है बड़े तेज़ होते हैं वगैरह, बहुत ही इनोसेंट उसकी पर्सनालिटी, बड़ा अच्छा सा उसका दिल। और वो वाइफ के लिए मैसेज दे के उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसका रिश्ता ख़त्म हो गया, लोगों की बातों में आ गई। बहुत बहुत बुरी बात है, आपका अपना रिश्ता है दूसरों की बातों में आके ख़राब ना करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम? अजमीरा। कौन सी क्लास? 3। ड्रेस तो बड़ा प्यारा पहना है। थैंक यू। कहाँ से लिया? दादू ने बनाया। दादू ने बनाया, ओके जी। मुझे बताओ क्या सुनाओगी? पोएम सुना दो।
10 liter fingers, 10 liter toes, 2 liter ears and 1 liter nose, 2 liter iron can shine so bright, and 1 liter mouth to kiss mother good night. Wow! Very good, ji. Badi unique poem thi. Lahore News ki taraf se aapke liye gift. Thank you, beta. जी इन्होंने पोइम सुनाई और अच्छा ये लगा कि कोई यूनिक पोइम सुनने को मिली, वो घिसी पिटी ट्विंकल ट्विंकल सुन के तो मैं ट्विंकल ट्विंकल हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम? उस्मान। उस्मान सामने देखो, कौन सी क्लास में हो? क्लास 5। 5 में कटिंग किसने की है? कटिंग वो जो नई दुकान साथ में हमारे घर की खुली थी उधर से करवाई। वो नया नया नई है, उसे नया काम सीखा है नजर आ रहा है मुझे। ये देखो ये कर जो किया ना, उसे कहना था ऐसे नहीं करते हैं, एकदम बिल्कुल टॉपिक। चलो क्या सुनाओगे? नात। माशाल्लाह सामने देखो सुना रहा। चमेली फूल फूलों में मोहम्मद है रसूलों में, मोहम्मद जब नजर आएगा खुदा में नूर उठेंगे, किले की चार पाए हैं फरिश्ता लेने आए हैं, चलो बहनों चलो भाइयों खुदा का नूर दिखाना है, एक दिन ऐसा भी होगा ना बेटी माँ की होगी ना बेटा बाप का होगा, जमीन पे जलजला होगा, एक छोटा बच्चा वो उठ के बोलेगा मेरी एक छोटी सी कश्ती उसमें मेरा महबूब रहता था, कभी हंसता कभी रोता, समंदर उठ के बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह। माशाल्लाह वेरी नाइस, ये लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू। अच्छा लगा बात करके मुझे, बड़ा मासूम प्यारा सा बच्चा और है किसी और से बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? आयशम अयूब। आयशा? आयशम अयूब। आयशम इसका क्या मतलब है? चांद की रोशनी। ओके चांद की रोशनी, क्या करती हो? पढ़ती हो? जी। कौन सी क्लास? 5। और बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। ओके। अम्मा ज़्यादा अच्छी लगती हैं अब्बा? दोनों। ज़्यादा? मम्मा। क्यों? क्योंकि मम्मा हर दुख में हमारे साथ होती हैं। पापा नहीं होते? पापा भी होते हैं लेकिन वो काम भी करते हैं। तो काम करेंगे तो पैसे कमाएंगे ना। मामा भी काम करती हैं? नहीं। ओके चलो मुझे बताओ क्या सुनाओगे मुझे? सॉन्ग। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली आजा आ मुझे कहाँ जाना है वहाँ, मैं चली देखो प्यार की गली। वाओ। ओके जी लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। खाने में क्या पसंद है? पकड़ो। पिज़्ज़ा। रोटी सालन में बताओ। अचार रोटी। ओह यम्मी जी, अचार और पराठा, आई लव चाय अचार पराठा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हबीबा। हबीबा क्या करती हो? जॉब। जुदा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मुझे बताओ कि कैसे आना हुआ? जॉब करती हूँ यहाँ। यहीं भी करती हो? ओके ठीक है। अच्छा हबीबा मुझे बताओ, तुमसे एक सवाल करती हूँ, वो क्या चीज़ है जिसे खाने के लिए समंदर में जाना पड़ता है? फिश। फिश? oh, no! क्या कच्ची मछलियां मुंह से पकड़ती हो पानी में जाके तुम? फिर गोता ही खाने जाते हैं जब। सही जवाब, तालियां बजाओ। मैं कुछ नहीं पॉइंट सुना देती हूँ। मैं तो भूल गई। सुनाओ। अच्छा थोड़ी लगता है मैं पॉइम सुनाऊँ। कोई बात नहीं। रिक्शे रिक्शे वाले भाई तूने घंटी की बजाई। एक सेकंड। साइकिल वाले भाई ने घंटी बजाई। साइकिल वाले भाई तूने घंटी की बजाई, मेरी गुड़िया नीचे आई उसे ले गया सिपाही, हमें दे गया मिठाई, हम सब ने मिलकर खाई। शर्म की बात है, गुड़िया बेच के तुम लोग मिठाई खा रहे हैं, क्या सिखा रहे हो बच्चों को हैं? ये लो रिश्वत लेते हो। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू। So much. जी अच्छा लगा इनसे हमने बात की, मजाकिया सीखी। टाइम हो गया एक ब्रेक का, सो सेवन ब्रेक। वन अ पेनी टू अ पेनी हॉट क्रॉस बंस, हॉट क्रॉस इफ यू हैव नो डॉटर गिव यू टू योर सन। तो सबसे पहले कागज के नोट किस मुल्क ने बनाए थे? कागज मेरे ख्याल से जर्मन ने बनाया था शायद, आई थिंक। मुझे बताओ जो लोग शादी से डरते हैं उस बीमारी को क्या कहते हैं? लोग शादी से, जो लोग शादी से डरते हैं उस बीमारी को क्या कहते हैं?
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए तो और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नाम आपका? जी मेरा नाम मिसेज मकसूद है। इनका नाम? ये मोहम्मद बिन हसन। माशाल्लाह, क्या उम्र है इसकी? इसकी 2.25 साल। ओके ठीक हो गया। और आपका क्या लगता है? ये मेरा पोता है। ओके जी माशाल्लाह। आज कैसे आना हुआ? बस आज सफायर में आए हैं, जरा पता लगा सेल लगी है। कल लगी है? है? कल लगनी है। अच्छा, वो पता था कि शायद आज लगी है तो मैंने कहा देख के आते हैं जाके। जबरदस्त। चले जी, मैं आपसे सवाल करती हूँ, मुझे बता दें पाकिस्तान की कौमी सब्जी कौन सी है? सॉरी, पाकिस्तान की कौमी सब्जी? कौमी सब्जी कौन सी? सब्जी, सब्जी, वेजिटेबल। कौमी सब्जी आलू लगा लो। क्या जो हर चीज में डलती है? नहीं, वो जरूरी है ना, जो डलने वाली कौमी सब्जी, तो वो है ना जो हमारी नेशनल वेजिटेबल है। चलिए जी, आप कौन सी रेसिपी हमें बताएंगी? मैं वाइट पास्ता, जो बहुत ही अच्छा, बड़ा ही लजीज है, जो कि बटर छोड़ दें, हाथ हम देख रहे हैं उसको। आप जाओ इसको पकड़ो वो मोहम्मद। जी जी, वाइट पास्ता है, उसमें ये कि बटर है, बटर को आप डालें और उसमें आप मैदा डालेंगी। मैदे को आप उसमें डाल के फ्राई थोड़ा सा करेंगी, 3 से 4 टीस्पून ओके डालेंगी। उसके बाद आप उसमें दूध डालेंगी, दूध डाल के उसको बनाएंगे और थोड़ा सा आप उसमें काली मिर्चें डालेंगे। और पास्ता आपने पहले से बॉईल किया होगा, फिर वो आप पास्ता उसमें डाल देंगे। उसके साथ आपने उसमें चीज़ डाल दी, तो बहुत ही लजीज पास्ता तैयार है। वाइट लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। इन्होंने आपको जो है वो वाइट सॉस पास्ता की जो है रेसिपी बताई है, तो मैं आपको इसमें ज़रूर कहूँगी, जो वाइट सॉस पास्ता है ना, बना तो आप देते हैं लेकिन उसको आपको जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, आंटी ने भी नहीं किया, लहसुन चॉप किया हुआ, मैश या कूटा हुआ नहीं होना चाहिए, चाकू से या छुरी से उसे टुक टुक करके ना छोटे छोटे टुकड़े कर लें, बटर डालें, फिर लहसुन डालें और उसको हल्का सा सौते करें, वो गोल्डन सा हो, यानी कि ब्राउन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा सौते होगा, देन आप उसमें जो है वो डालें मैदा और फिर उसको फ्राई करें और देन आप उसमें डालें दूध, और दूध डालते डालते आपने उसको हलाते जाना है, और जब वो हो जाए तो थिक हो जाएगा, जब फिर आपने उसमें 1 टेट्रा पैक किसी भी अच्छे ब्रांड की क्रीम डालनी है, फिर उसको आपने हिलाना है, फिर आपने उसके अंदर जो है वो चीज़ डालनी है, फिर उसको हिलाना है, फिर आप उसमें ब्लैक पेपर और थोड़ा सा बिल्कुल नमक और थोड़ी सी चीनी और वो क्या कहते हैं उसको, ऑर्गेनिक ऑरिगेनो आपने उसके अंदर डालें, आइडियल है, आप थोड़ी सी मशरूम और थोड़ी सी शिमला मिर्च भी डाल दें, वो मज़े का लगेगा। देन आपने जो पास्ता बॉयल किया हुआ था वो आप उसमें उल्टाएं, पास्ते को जब आप बॉयल करते हैं ना तो लाजमी उसको जब ठंडा हो जाए तो उसमें हल्का सा ऑयल लगा के उसे मसल दिया करें, वो फिर स्लिप होता है, फिर मज़े का बनता है। वो पास्ता आप उस सॉस में उल्टाएं, फिर उसको जो है मर्ज करें, देन ऊपर चीज़ की लेयर लगाएं, फिर उसको बंद कर दें ढक्कन से, और वो जो आपके पास अगर शायद वो फायर नहीं है तो आप लाइटर से भी जो है बड़े वाले से ऊपर से उसको टुक 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 करके चीज़ को बर्न करें, फिर जब वो आप खाएंगे तो उसकी लेयर्स निकलेंगे, इट विल बी वेरी वेरी डिलीशियस। अस्सलाम वालेकुम। वाइसा। नाम? फातिमा। माशाल्लाह, कौन सी क्लास में है? मैं 7th है। 7th में क्या बनना चाहती हैं? मैं डॉक्टर। ज़बरदस्त। ओके, क्वेश्चन करते हैं आपसे, मुझे बताएं जो लोग पानी से डरते हैं इसको हेमोफोबिया कहते हैं, जो लोग शादी से डरते हैं उसे क्या कहते हैं? ये एक बीमारी है, उस बीमारी को क्या कहते हैं? क्या शेयर करेंगे? मैं पॉइंट हॉट क्रॉस बंस, हॉट क्रॉस बंस, हॉट क्रॉस बंस, हॉट क्रॉस बंस, 1 penny, 2 penny, हॉट क्रॉस बंस, हॉट क्रॉस, इफ़ यू हैव नो डॉटर गिव यू टू योर सन, If you have no son, then give you to your daughter. If you have bought them, then give them plenty. Hot cross buns, hot cross buns, hot cross buns, hot cross buns. Wow! जबरदस्त जी, ये ले लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू जी, अच्छी थी पोइम, सुनी, यूनिक पोइम थी, डिफरेंट थी, अच्छी लगी, किसी और से बात। अस्सलाम वालेकुम। माइकों के पास। वालेकुम सलाम। नाम आपका? अजीम शौकत। क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। किस चीज़ का? पेपर का बिजनेस है। ओके, पेपर का बिजनेस है। चले मुझे बता दें
पेपर से जो सवाल करते हैं, सबसे पहले कागज के नोट किस मुल्क ने बनाए थे? कागज मेरे ख्याल से जर्मन ने बनाया था शायद। नहीं, कागज के नोट। नोट? हाँ, ये पहले भी आपका मैंने प्रोग्राम देखा, आपने पूछा हुआ है। हाँ। तो ये वैसे उस वक्त मुझे याद था, आंसर मैंने दिया था। हाँ, होता है। हाँ, लेकिन अभी मेरे ख्याल से ये तुर्की ने बनाया था शायद। नहीं, क्या शेयर करेंगे? मैं शेयर यही करूँगा कि नमाज हम लोगों को पढ़नी चाहिए, टाइम बहुत थोड़ा रह गया हम लोगों के पास, तो आखिरत की तैयारी करनी चाहिए हमें। ओके जी, चाइना ने बनाए थे, ठीक है, चाइना ने। लाहौर न्यूज़ की तरफ से थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बहुत अच्छा मैसेज दिया अंकल ने, और बिल्कुल नमाज जो है वो ज़रूर अदा किया करें। मैं आपको बताती हूँ कि आप चाहे दिन की एक नमाज अदा करें, कुछ होते ना यार कहते हैं हमसे नहीं पढ़ी जाती, पांच वक्त है, आप चाहे एक नमाज अदा करें मगर आप ज़रूर अदा करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि नमाज जो है ना वाकई में दिल का सुकून है। अगर मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, अगर कभी मुझे लगे ना कि नमाज रह गई है तो मेरा वैसे मूड बहुत ख़राब हो जाता है, मुझे डिप्रेशन शुरू हो जाता है, अजीब सा मूड ख़राब हो जाता है, तो नमाज से ठीक हो जाता है। तो नमाज ना छोड़ा करें, मैं नहीं कह रही पांच वक्त आप पढ़ लें, ज़रूरी है पढ़ना पाँच वक्त, मगर कोशिश एक से ही शुरू कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? आकाश भट्ट। क्या करते हो? मैं कॉफी शॉप में होता हूँ। ओके आकाश, मुझे बताओ जो लोग शादी से डरते हैं उस बीमारी को क्या कहते हैं? जो लोग शादी से डरते हैं उस बीमारी को क्या कहते हैं? गेमोफोबिया कहते हैं। क्या सुनाओगे? गेमोफोबिया। क्या सुनाओगे? सॉन्ग सुनाओ। मैं जहाँ रहूँ मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है, किसी से कहूँ के नहीं कहूँ, ये जो दिल की बात है, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, और छुपके इस दिल में तन्हाई पलती है, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है। थैंक यू। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। बहुत शुक्रिया जी, इन्होंने जो है वो गाना सुनाया आपको। और मैं आपको बताऊं, शादी ना करना और उससे डरना भी एक बीमारी है, और इस बीमारी को गेमोफोबिया कहते हैं। अक्सर लोगों में ये बीमारी पाई जाती है, नहीं होनी चाहिए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो हो गया ख़त्म, लेनी पड़ेगी आपसे इजाज़त, मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखें, खूब रेस्ट करें, इंजॉय करें, प्लीज़ SOPs को फॉलो करें, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, SOPs को फॉलो करें, और दूसरों का भी ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। भूजो तो जीतो को लाहौर न्यूज़ HD पर अलीना लोधी हारून के साथ जुमेरात जुमा हफ्ता इतवार शाम 7 बजे देखें, जो अगली सुबह सुबह के 5 और 11 बजे रिपीट होगा, देखना ना भूलें, दुआओं में याद रखें। और ये बिल्कुल फ्रेश एपिसोड हैं, बिल्कुल न्यू एपिसोड्स हैं, और मास्क के अंदर मैं ही तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक हो गया। कीप लविंग, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।